जनपद संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के संभल मुरादाबाद मार्ग एआरटीओ कार्यालय के सामने आरओ पार्ट्स की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने काफी देर आग पर काबू करने की कोशिश की, पर आग और विकराल रूप धारण करती रही। आग की लपटों को देखकर लोगों की भीड़ जमा होती रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने वह मुश्किल आग पर काबू पाकर राहत की सांस ली। फिलहाल अग्निकांड में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, पर दुकान स्वामी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। ये क्या नाम है आपका? गौरव गर्ग। भैया, आपकी दुकान में आग लगी थी, क्या कारण था, कैसे पता चला? शॉर्ट सर्किट से लगे, बराबर के अंदर पंकज भैया की दुकान है, इनकी लेबर ने बताया कि ऊपर आपके धुआं निकल रहा है। ऊपर जाके देखा तो आग लगी हुई थी, बुझाने की कोशिश करी, पाइप बराबर पारस भाई के यहाँ से पाइप लेके आया, नहीं हुई, फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने लगभग आधे घंटे में काबू कर लिया। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? आरओ स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। आरओ से आग पर कितनी देर पर काबू पाया गया? लगभग आधा घंटे में काबू पाया गया। कितना नुकसान हुआ होगा आपको? 10 से 15 लाख। क्या क्या जलाए, कुछ कैश जलाए? आरओ के नहीं, कैश नहीं जलाए, सामान ही जलाए, ऊपर आरओ का स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे थे। क्या क्या आइटम जल गए? तो आरओ रखे थे मेरे पास, मेरे आरओ की मेम्ब्रेन, मोटर, फिल्टर्स वगैरह, ये सब कुछ जलाए। अच्छा, आपका वो हुआ था? नहीं, बीमा हुआ था दुकान का? नहीं, बीमा नहीं था दुकान का, बीमा नहीं था। आपने तहरीर दी? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी तो यहीं पर ही हूँ। सर, जिस तरह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही है, तो फिर मैं काबू पाया और कितना नुकसान है? 6:20 पे हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिली, तत्काल फायर सर्विस यूनिट मौके पे पहुंची। प्रथम दृष्टया हमने आकर देखा तो इसके नीचे के फ्लोर में और ऊपर वाले दोनों फ्लोरों में आग जल रही थी। तो उसमें आरओ का जो फिटिंग का टोटल फिटिंग का सामान, इनका स्टोरेज था और सामान भी था, उसी में आग लगी। कितना नुकसान था? नुकसान का मिनिमम आइडिया 10 से 15 तक ये बता रहे हैं, लेकिन अब ये तो मालिकों के हिसाब किताब से ही पता चलेगा। कितनी देर कंट्रोल किया? मैंने मेरे हिसाब से 20 या 25 मिनट में हम लोगों ने आग पे काबू किया।